नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे आप सभी, आशा है कि शानदार तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज आपको बात करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, कि भाई कम समय में अपन शानदार तरीके से कैसे पढ़ाई करें ताकि अपन को अपना लक्ष्य हासिल हो जाए, अपन को जो अपनी कामयाबी है वो हासिल हो जाए। क्योंकि कई विद्यार्थी जो मेरे दोस्त हैं सर्किल में है या मेरे परिवार में, वो पूछते हैं कि दिनेश, ऐसी क्या चीज़ है कि आपने 3-4 साल बीच में पढ़ाई छोड़ के 1 साल के अंदर आपने पढ़ाई की और इतने पेपर क्लियर कर लिए और गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, तो इसका क्या उत्तर है। और कई विद्यार्थी जो अपने साथी है, जो छोटे बहन भाई है, उन्होंने अभी भी 12th के एग्जाम हुए हैं उनके, तो वो भी कॉलेज में आए तो सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने सामने भी कोई भर्ती नहीं है। अपने जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो जाए या राजस्थान पुलिस की हो जाए या टीचर की हो, किसी भी, अभी भर्ती सामने नहीं है, तो उनका एक सवाल है कि सर, इतनी क्या हम स्ट्रेटेजी अपनाएं या क्या उपाय अपनाएं कि 1 साल के अंदर अंदर या कम समय के अंदर अपन कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर पाए। तो उस पे अपन बात करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कैसे कर पाए। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपने अनुभव के आधार पे, उनका क्लेरिफिकेशन करेंगे। भाई पहले पॉइंट है कि पढ़ाई करना है या नहीं करना, ये तय कर लीजिए कि आपको पढ़ाई करना है या नहीं करना, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि मेरी तरह बताऊं तो मेरी क्लास में जितने विद्यार्थी थे उनमें कई विद्यार्थी हैं जो आज, जिनको ये पता था कि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारा पढ़ाई में शुरू से ही रुचि नहीं है, और उन्होंने उस समय ही प्राइवेट बिजनेस, किसी ने मार्बल का गोडाउन डाल लिया या किसी ने कोई प्राइवेट जो सेक्टर में अलग अलग जॉब होती है वो कर ली, या किसी ने कोई कपड़े की शॉप डाल ली, तो उनको उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। और आज हम उनको देखते हैं तो वो एक अच्छे लेवल पे है, उनका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे है, अच्छी खासी वो इनकम कर रहे हैं महीने की, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जिनका पढ़ने में रुचि नहीं थी, फिर भी उन्होंने घरवालों के, रिश्तेदारों के दबाव में आके वो कंपटीशन की दुनिया में आए और आज 5-5, 6-6 साल हो गए वो वैसे ही तैयारी कर रहे हैं और उनका कुछ भी जीवन में कामयाबी का पता नहीं है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी जो हमारे जैसे थे, हमें शुरू से ही, जैसे मेरी बताऊँ तो मुझे 12th में शुरू से ही पढ़ने में रुचि थी, लेकिन उस पढ़ाई की रुचि को मैंने भुला के दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाया, लेकिन 3-4 साल बाद में वापस मुझे वहाँ पर ही ला के छोड़ दिया और मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और कुछ ही समय में कामयाबी हासिल कर ली। तो ऐसे अपनी रुचि को पहचानिए कि आपको पढ़ाई करनी है कि या नहीं करनी, भाई ये डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो ज़बरदस्ती पढ़ाई में कंपटीशन की दुनिया में वो विद्यार्थी आते हैं और 5-5, 10-10, 15-15 साल कंपटीशन के टाइम में रहते हैं और अपना जो अमूल्य समय है ये 20-30 साल का वो खराब कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। पढ़ाई में निरंतरता रखो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई पढ़ाई में एक रेगुलरिटी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अभी भर्ती आई और आप पढ़ाई करने लग जाओ, भर्ती का एग्जाम हो और आप पढ़ाई करना बंद कर दो। आपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जदा धूल खावाए लागा तो धोबा भर भर खाओ, या ठीक है ना, यदि कोई काम अपन करने लग जाए तो उसको धाप के ही करना चाहिए भाई, ठीक है। तो निरंतरता आप रखिए। अभी यदि भर्तियों का सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है अभी, तो भी आप कम से कम 7-8 घंटा अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। बीच में यदि आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो एग्जाम तो होगा, ये तो है नहीं कि भाई अब कोई एग्जाम नहीं होगा कभी भी, तो राजस्थान पुलिस के भी एग्जाम सामने आएंगे, SIT भी भर्तियाँ होगी। तो आप अपनी जो रुचिकर सब्जेक्ट है उनको अभी से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यानी कोई भी एग्जाम में 6-7 सब्जेक्ट होती है तो उनमें 3-4 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ आप इस ऑफ सीजन में बना लीजिए, ठीक है। तो रेगुलर तैयारी करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अभी हम भी, मेरी बात मानो तो मैं खुद 6-7 घंटे अभी वर्तमान में रेगुलर पढ़ता हूँ, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। रुचिकर नौकरी की तैयारी करिए। यह नहीं कि भाई पटवारी आयु को भी मैं फार्म भर दियो, जलदाय विभाग में फार्म भर दियो, वन विभाग में फार्म भर दियो, डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, RS में, जिसमें जो भर्ती आई उसमें फॉर्म लगा दो। इससे आप भ्रमित होकर रह जाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में अच्छी तरीके से नहीं जा पाएंगे। मेरी बताऊं तो मुझे रुचि केवल पुलिस प्रशासन में थी, तो मैंने SI का एग्जाम दिया, राजस्थान पुलिस की एग्जाम दिए, लेकिन एक बार मेरा जो ग्राम सेवक की भर्ती थी उसमें मेरा प्री क्लियर था, मेंस बाकी था। कई विद्यार्थियों ने, मेरे जो साथ में थे, उन्होंने बोला, परिवार वालों ने बोला कि आप ग्राम सेवक की तैयारी कर लीजिए। मैंने उनको क्लियर मना कर दिया कि मुझे इस नौकरी में कोई रुचि नहीं है, मुझे पुलिस विभाग में जाना है, मुझे उसी की तैयारी करना है। तो
तो मेरा लक्ष्य साफ था कि भाई मुझे पुलिस विभाग की तैयारी करनी है। इसी प्रकार से आप अपना एक क्लियर विजन रखिए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। यदि पटवारी की करनी है तो आप पटवारी की तैयारी कीजिए, ग्राम सेवक की करनी है तो ग्राम सेवक की तैयारी कीजिए। जो बहुत सारी जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं ना, वो किसी भी मंजिल पर नहीं पहुँच पाते, ठीक है। हमेशा मोटिवेट व पढ़ाई से जुड़े हुए लोगों के साथ रहिए। यह नहीं कि भाई आप कर तो पढ़ाई रही हैं और आपने रूम पार्टनर है वो गोदाम वाला है, तो वो हमेशा प्राइवेट बिजनेस की इतनी खूबियाँ बताएगा कि आपको पढ़ाई से जो है हटा देगा, ठीक है भाई। यदि आप रूम शेयर भी करते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं तो दो दो तीन तीन विद्यार्थी एक साथ रूम शेयर करके रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ रहिए जिनको खुद को पढ़ने में इंटेलिजेंट है या पढ़ने में रुचि रखते हैं या खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट है। यदि आप भूंगल लड़के के साथ या आपका जो रूम पार्टनर है वो खुद ही भूंगल है तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या बताएगा। यदि आप मोटिवेट विद्यार्थी के साथ रहते हैं तो दो बात वो बताएगा, दो बात आप उसको बताएंगे और हमेशा पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें करेंगे तो आपके अपना आप उसमें रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। पढ़ाई के साथ स्वावलंबी बने, ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाई के आड़ में आलसी बन जाए, क्योंकि कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि 10-10 साल पढ़ते रहते हैं, अपने घर वालों से महीने के 5-6 हज़ार रुपये लेते रहते हैं और हर घर की यही कहानी है, यदि मैं भी अपने घर वालों से 5,000-6,000 रुपये एक साथ मांग लूँ तो वो भी चिड़चिड़ करने लग जाते हैं कि ये है वो है, तो सर हर घर वालों की आदत है और उसके कारण अपन खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। यदि अभी ऑफ सीजन है तो आप पढ़ाई से जुड़ी हुई किसी स्कूल में पढ़ा लीजिए, किसी कोचिंग में कोई जॉब हो तो वो कर लीजिए, या अपने से जो भी हो आपका भाई अकाउंट इतना सेव कर लीजिए कि जैसे ही भर्ती आए आपको घरवालों से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि आप घरवालों से पैसे नहीं मांगेंगे और आप स्वावलंबी रहेंगे, आपके पास खुद के पैसे रहेंगे, तो आप किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहेंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। ये 3-4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। बाकी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और राजस्थान के कल्चर के नोट्स तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही भर्ती आएगी राजस्थान पुलिस और सब इंस्पेक्टर की, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा देंगे। जितनी मेरी कोशिश है वो आपके लिए है, मेरी जितनी दुआएं हैं वो आपके लिए है। आप मोटिवेट रह के तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।